नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। अमेठी रायबरेली की सीटों पर सपा कांग्रेस में हुआ समझौता। रायबरेली और अमेठी की 10 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, जबकि सपा बाकी 2 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। मुलायम के खास मंत्री गायत्री प्रजापति बने रहेंगे अमेठी से सपा के उम्मीदवार। मारन बंधुओं को अदालत से बड़ी राहत। सीबीआई कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस के सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में किया बरी। मारन बंधुओं और मैक्सिस के मालिक के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का था आरोप। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में वरुण गांधी का नाम हुआ शामिल। बीजेपी ने आज तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए आज जारी की स्टार प्रचारकों की दूसरी लिस्ट। सूची में मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार को भी जगह, लेकिन मेनका गांधी दूसरी लिस्ट से बाहर। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे बादल के गढ़। बादल और केजरीवाल पर जमकर बोला हमला। कहा, बादल करते हैं मेरा मेरा, केजरीवाल पंजाब में बम ब्लास्ट करने वालों की कर रहे हैं मदद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलंदशहर में चुनावी रैली में सपा कांग्रेस पर बोला हमला। बीजेपी को बताया दलित मुस्लिम विरोधी। मुसलमानों से सपा और कांग्रेस के गठबंधन को वोट न देकर बेदाग बीएसपी को वोट देने की अपील। और चीन ने किया DF-5C नाम की मिसाइल का परीक्षण। 10 परमाणु हथियार एक साथ ले जाने में सक्षम है मिसाइल। नकली बम लगाकर शाक्सी प्रांत के ताइयान स्पेस लॉन्च सेंटर से छोड़ी गई मिसाइल। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।